आधा कट्टा रखा हुआ है। एक कट्टा, आधा कट्टा नहीं, तो यहाँ पर आधा, एक जुड़ी बोलना, एक जुड़ी है ना, कट्टा क्या तो एक एक जुड़ी। ऑलराइट, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएम वीडियोस। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि चीज़ें ऐसी थी, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था मैं उस चीज़ का, और बहुत सारी मेहनत भी लगी है भाई इतना सब कुछ करने के लिए। बहुत लोगों के कमेंट भी आए अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब वीडियोस से इस वीडियो में थोड़े ज़्यादा कमेंट आए, फ्रेंड्स के ज़्यादा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे अपने कुछ अगर ज़्यादा लोग कमेंट करते, हमारे जैसे कि रिलेटिव्स हो गए, तो बहुत अच्छा लगता, नहीं किए कोई बात नहीं, देखे तो सही एटलीस्ट उन्होंने। सो बस अगर अपनों के कमेंट ज़्यादा आते तो और अच्छा लगता। लास्ट वीडियो में जब मुझे वो पिन मिला, तो जो मैं इतना इमोशनल हुआ, उसका भी कुछ रीज़न था, जो रीज़न मैं जो है आगे इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद में फिर उसका फल नहीं मिलता है, मेरे साथ हो चुका है प्रीवियसली, इसीलिए लास्ट टाइम जो है मुझे इतना ज़्यादा खुशी हो गई कि पूछिए मत। तो लास्ट दो दिन से जो है मेरा एक भी वीडियो नहीं आया, इसीलिए क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी था। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं जब व्लॉग नहीं कर रहा हूं, तब जो है मैं बहुत ज़्यादा ही लो फील करने लग गया हूं। जब मैं वीडियो बनाता हूं तो ज़्यादा एक्टिव रहता हूं और ये अच्छा भी लगता है। जब मैं वीडियो नहीं बना रहा था तो दो दिन से जो है मैं जिम भी नहीं गया, तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं कितना लो फील कर रहा था, और अब जब वीडियो बना रहा हूँ तो कितना एक्टिव फील कर रहा हूँ। शावर ले लेता और उसके बाद में जब मम्मी ने कुछ सामान बोले वो लेके आने का, लेके आने के बाद में जिम जाएंगे। बोलते ना कभी कभी कि सस्ती चीज़ बहुत अच्छी होती है, महंगी चीज़ जो है आपको लूट लेती है, तो उसी तरीके से मेरे साथ हुआ। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने एक न्यू ट्रैक जो है पहना है, दो दिन के अंदर बस एक बार मैं वॉशरूम के लिए गया था, फर्स्ट ही बेंट जब मैं हुआ, जब मैं बैठा तो उसका काम हो गया। ये देखिए खुल गई है यहाँ स्पेशलाइज साला। मैं 300-400 रुपए के जो ट्रैक लेके आया था वो सालों चली, मतलब 2-2.5 साल आराम से चली, और अभी भी चल रही है, यहाँ तक कि उसकी सिलाई नहीं खुली लेकिन वो कपड़ा खुच गया, और ये न्यू लेके आने के बाद में इसका जो है सिलाई खुल गई। अब क्या बोल सकते हैं, इतना पैसा डालने के बाद भी ऐसी चीज़ मिले तो फिर दुख होता है, इतने टाइम बाद लिया और ये हो गया। तो अभी जो है सबसे पहले नेल्स कट कर लेते हैं, हाथ के और पैर के दोनों बढ़ गए हैं, अगर अभी नहीं काटा तो बिग बॉस भड़क जाएंगे। तो जी मैंने शावर जो है ले लिया है, अभी जो है फटाफट जाएंगे टॉवल सूखने डालेंगे, और उसके बाद में मम्मी ने जो सामान बोले है वो लेके आने का है, मम्मी का लेके आने के बाद में अपने को जिम के लिए निकलने का है। तो अभी जाके जल्दी से पूछ लेते हैं कि मम्मी को क्या मंगाना था, बाज़ार से क्या लेके आना था, तो एक बार कन्फर्म कर लेते हैं। वैसे भी मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, अगर रिकॉर्ड हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। मम्मी क्या लेके आने का था मेरे को? भाजी लेके आने का था, हिमालय लाना था, लेकिन अभी ज्यादा टाइम हो रहा ना, हाँ, जिम के लिए। तुम बोलेंगे तो मैं लेके आ जाता हूँ। नहीं नहीं है, अभी मेरे पास टाइम है, तेरे पास टाइम नहीं है, तू जा। डायलॉग मार रहे, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ जिम के लिए। हाँ चलो, तो बॉस अपना एक काम हो गया है कंप्लीट, मतलब कंप्लीट नहीं, वो मम्मी कर लेंगे। दूसरा काम है अपना जिम जाने का, मम्मी ने बोले जा पहला जिम जाके आ जा, दो दिन से वैसे भी नहीं गया था, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है ना, जिस दिन मैं ब्लॉग बनाता हूँ उस टाइम पे मैं बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ, जिस दिन ब्लॉग नहीं बनाता उस दिन एकदम लो फील करता हूँ। तो इसी के लिए मेरा अभी मानना है कि मैं डेली डेली जो है ब्लॉग करते रहूँ, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी कंटेंट कुछ ना कुछ मिलेगा तो अच्छा लगेगा। सो बस अभी जिम का बैग तैयार करना है, प्रोटीन डालना है, निकलना है। मैंने जो है लास्ट वीडियो में बोला था कि शूज़ की भी अपनी एक कहानी है जो है आपको सुनानी है। ये शूज़ मैं और खालू जाके साथ में लिए थे, दो शूज़ लिए थे, पूमा और एक एडिडास का। तो ये वाला शूज़ मेरे को पहली नज़र में पसंद आ गया था, खालू ने जॉगिंग के लिए लिए थे, मैंने बोला दिया था खालू को कि खालू ये वाला शूज़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उनको वो पूमा का भी, वो एकदम डिसेंट था, एकदम बोलते ना कुछ पैटर्न नहीं, एकदम प्लेन शूज़ था, बट अंदर वो मेमोरी फोम टाइप का शूज़ था शायद, वो भी बहुत ज़बरदस्त था, एकदम कंफर्टेबल था, बट इसका जो पैटर्न था मेरे को वो देख के बहुत अच्छा लगा था। तो अब इसको यूज़ कर करके ये भी कुछ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स चल चुके हैं, अभी इसकी जो है हालत दिखाता हूँ आपको कैसी है एग्जैक्टली। ये देखो यहाँ पर ये पूरा खुज गया है, रिस्पॉन्ज वो एकदम खुज गया है, कपड़ा ऊपर से निकल गया है, और ऐसा कुछ हालत है अभी, बट अंदर से अभी भी ये बहुत सही है,
यहाँ से जो है फटने पे आ गया है, क्योंकि मेरा ये जो उंगली है हर जूते को फाड़ देता है और नीचे से ग्रिप भी निकलने लगा है अभी। तो ये बताने का एक रीजन था कि बहुत ज्यादा मिस कर रहे खालू को, खालू जल्दी आओ, आएंगे तो ऐसा कुछ लेके आएंगे तो अच्छा लगेगा। खालू इज लाइक अ सेंटा क्लॉज फॉर अस, क्योंकि वो जब भी आते कुछ ना कुछ जो है गुड़ी साथ में लेके आते, अच्छा लगता है, एक आस रहती है बड़ों से कि आएंगे तो कुछ लेके आते, तो वैसे ही हर किसी को रहती है, हमारे को खाला खालू से बहुत है भाई। और लिटरली मैंने ये शूज़ को जो है बोल के मंगवाया था खाला खालू को कि मेरे को ये शूज़ ला के दो, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और ये मेरे को पहनने का, बस एक बार बोलने की देरी है खालू भेज देते। तो जब से मैं सोच रहा था कि मैं कुछ ना कुछ तो भूल रहा हूँ और मैं जो चीज भूल रहा था वो थी एक क्विक सा अपडेट ऑन माई नेक पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, 2-3 दिन का रश है, अल्लाह ने इसीलिए लेने के लिए बोल दिया कि भाई तू ले ले, तभी जो है तेरी बॉडी जो है अच्छी तरीके से रिएक्ट करेगी। तो आज आई एम फीलिंग मच मच बेटर, तो देखेंगे अभी जाएंगे आज जो है चेस्ट और ट्राइसेप करेंगे। हाँ जी, तो बहुत दिनों के बाद में इस तरीके से व्लॉगिंग करते हुए अपना जो है वर्कआउट हो चुका है, चेस्ट और ट्राइसेप बहुत ही ज़बरदस्त हुआ, प्रोटीन शेक हो गया है, अभी बस घर पर जा रहे हैं। तो मैं बस जिम से आया ही था कि देखा कि मम्मी जो है अकेले बैठ के भाजी तोड़ रहे हैं, दिखाता हूँ कौन सी भाजी है, और अकेले तोड़ रहे हैं तो मैं कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ मम्मी को किसी भी काम में। तो मैं भी जो है मिलके थोड़ा भाजी तोड़ लूँगा, थोड़ा मम्मी को हेल्प हो जाएगी, साथ में थोड़ी मम्मी की दुआ भी मिल जाएगी, भाई हमेशा माँ बाप की दुआओं में रहा करो। तो ये है चाकूत की भाजी, तो ये मम्मी ने आधा कट्टा जो है तोड़ दिए, अब वहाँ पर जो है और एक आधा कट्टा रखा हुआ है, एक कट्टा आधा कट्टा नहीं, तो यहाँ पर आधा एक जुड़ी है ना कट्टा क्या, तो एक जुड़ी, तो ये एक जुड़ी थी जो कि आधा मम्मी ने तोड़ दिए, वहाँ पे है आधा यहाँ आधा वहाँ पे, और उधर पे आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पे एक जुड़ी है, तो ये जुड़ी जुड़ी आज हमारे बनने में आज हमारे घर में बनने वाली है दाल भाजी, दाल भाजी बनेगी आज। अच्छा चाकने गुफ्ते है, तो अभी वीडियो में ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए मम्मी की हेल्प कर लेता हूँ, तो क्या उनको जल्दी से काम हो जाएगा तो वो जाके बनाएंगे अंदर। तो फाइनली टास्क जो है कंप्लीट हो गया, पूरी भाजी जो है टूट गई है, ग्रेट सक्सेस। तो सुफियान मैंने बहुत अच्छी सी पिक्चर लगा दी है यहाँ पे जय हो, और यहाँ पे हमारा चल रहा है डिनर, रोटी और जो भाजी हमने तोड़ा था ये वो भाजी है दाल भाजी, तो बस अभी इसको हम ख़त्म करेंगे। तो डिनर खत्म करने से पहले इस वीडियो को खत्म करेंगे, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर लाइक कर देना, और उसके साथ में शेयर कर लेना, मेरे चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम राइट सेव बी सेव रिस्पेक्ट योर मॉम एंड रिस्पेक्ट योर फैमिली एज ऑलवेज, अल्लाह हाफिज़।